फ्रेजर कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था तो मेरे घर के सामने एक फार्मर रहता था जिसका चिकन का फार्म था। पता नहीं क्यों मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस बिजनेस में तो बहुत कम एफर्ट है, बस चिकन्स को खाना खाने के लिए खाना दो और उसके बाद उनके अंडे मार्केट में बेच दो। तो मैं ये सोचकर उस फार्मर के पास गया और उससे रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे कुछ अंडे दे दे, और उस फार्मर ने हमें एक बॉक्स में काफी सारे अंडे फ्री में दे दिए। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और उन्हें अपना नया बिजनेस प्लान बताया कि इन एग्स को मैं हैच करूंगा जिससे मुर्गियां पैदा होंगी और जब वो अंडे देगी तो मैं उसे बेच दूंगा। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि ये छोटा सा लड़का इन अंडों को कैसे हैच करेगा, और वो ये सोच के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए राजी हो गए। मैंने उस अंडे के डब्बे को अपने टीवी के ऊपर रख दिया। उस वक्त के टीवी एक बड़े डब्बे के शेप में आते थे और वो गर्म रहते थे। थोड़े दिनों के बाद उन डब्बे में से 4 अंडे हैच हो गए और उनके लिए हमने अपने गार्डन में एक छोटा सा घर बना दिया। इन चारों को हमने नाम भी दिए। जब उन्होंने अंडे देना स्टार्ट कर दिया तो मैंने उन अंडों को अपने पड़ोसियों को सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो मुझे पता चला कि एक फॉक्स ने सारी मुर्गियों को खा लिया है। उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ। ये मेरे बचपन का सबसे पहला बिजनेस था जिसे मैंने ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। इसके बाद भी मैंने कई बिजनेसेस स्टार्ट किए, लेकिन फिर मैंने एक फुल फ्लैच कंपनी खोली जिसे मैं आज भी चला रहा हूँ और जिसने मुझे मिलियनेयर बनाया था। एक बार मैं स्कूल की छुट्टियों पर अपनी ग्रैंड मदर से मिलने गांव गया था। वहां पर मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा की तरह जैम बना रही थी। वो बहुत ही टेस्टी जैम बनाती थी। मुझे पता नहीं क्यों उस दिन जैम बहुत टेस्टी लगा और मैंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि मुझे भी ये जैम बनाना सिखाओ। उस दिन हमने कई घंटों तक जैम बनाया और उसे जार्स में भर दिया। उसके बाद मैं भाग के सुपरमार्केट गया और फ्रूट्स लेके आया और खुद दोबारा से जैम बनाई, और इससे पहले कि जैम ठंडी भी हो मैं उस जैम को अपने पड़ोसियों के पास लेके गया और उनसे पूछा कि उन्हें मेरी बनाई हुई जैम कैसी लगी। मेरे पड़ोसियों ने मुझे कहा कि उन्हें मेरी बनाई हुई जैम बहुत टेस्टी लगी है और वो मुझे इनके लिए पैसे भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने कंटिन्यूसली अपने पड़ोसियों को जैम बेचना स्टार्ट कर दिया। एक लोकल न्यूज़पेपर ने मेरी स्टोरी भी कवर की कि कैसे एक 15 साल का लड़का जैम बना के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब मैं पूरा दिन अपने घर के किचन में सिर्फ जैम ही बना रहा होता था और हर हफ्ते 1000 जैम की बॉटल्स बेचता था। लेकिन इससे मेरे घर वाले थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें अब किचन में खाना बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। इस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे जैम को किसी फैक्ट्री में बनवाना चाहिए। इसके लिए पहले मैंने जैम के बारे में बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि जैम की सेल्स हर साल कम हो रही है क्योंकि एक तो हर जैम में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और दूसरा लोगों को जैम में कुछ नया चाहिए था। मैंने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करी और फाइनली मुझे एक तरीका पता चल गया जिससे मैं एक बहुत ही टेस्टी जैम बिना चीनी के बना सकता था, यानी 100% फ्रूट्स की मदद से और बिना कोई प्रिजर्वेटिव के। फिर मैंने सोचा कि इस जैम को मैं सुपरमार्केट्स में बेचूंगा क्योंकि इन लोगों के पास बहुत से स्टोर्स होते हैं जिससे मेरी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मैं एक वेटरोज नाम के सुपरमार्केट चेन के पास गया जो मेरे जैसे नए लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने का चांस देते थे। वो बहुत हैरान हुए कि ये टीनेजर जैम बेचना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरा 100% फ्रूट जैम का आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहले मुझे इसके लिए प्रॉपर पैकेजिंग तैयार करनी पड़ेगी, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, इसका प्राइस कम करना पड़ेगा और थोड़ी सी रेसिपीज में चेंज करना पड़ेगा, तभी वो मेरे जैम को अपने सुपरमार्केट में बेचने के लिए तैयार होगा। इतना सुनने के बाद मैं बहुत खुश हुआ और ये मेरा सपना बन गया कि मुझे अपने जैम को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना है। मैं काफी डिजाइनर से, मार्केटिंग के लोगों से मिला और हमने इस जैम का नाम सुपर जैम रखा। इसके लिए मैंने बहुत सारे पैकेजेस तैयार करे क्योंकि सुपर जैम सुपर ह्यूमन की तरह लगता था। तो इस ब्रांड के लिए हमने काफी सारी स्टोरीज तैयार की जिससे हम इस ब्रांड के बारे में लोगों को बता सके। फिर मैं जैम की फैक्ट्रीज के चक्कर काटने लग गया ताकि वो मेरे लिए जैम बनाने के लिए तैयार हो जाएं, जिससे मैं लार्ज स्केल में जैम प्रोड्यूस कर सकूं। ज्यादातर हर फैक्ट्री ओनर ने मुझे जैम बनाने के लिए मना कर दिया। किसी को मेरे प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं था। कोई सोचता था कि मैं 17 साल का एक लड़का हूं और मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक जैम ओनर मेरे आइडिया को ट्राई करने के लिए रेडी हो गया क्योंकि उनकी जैम की सेल्स कम हो रही थी और उनकी कई मशीन्स फ्री थी जिससे मेरी जैम रेसिपीज ट्राई की जा सके। अब जैसे ही मैं अपने नए बनाए हुए जैम्स का स्टॉक उस सुपर मार्केट वेटरोज में लेके गया तो उन्होंने मेरी हर चीज को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस फैक्ट्री से मैं जैम बनवा रहा हूँ वो बहुत कॉस्टली है जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। मेरी ब्रांडिंग का तरीका भी उन्हें पसंद नहीं आया, इवन कि उनको मेरी जैम का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा। और इस चीज पर मैंने ऑलमोस्ट 1 साल वेस्ट कर दिया था।
थोड़े दिन मैं परेशान रहा, लेकिन मैंने फिर से ट्राई करने की सोची। मैं दोबारा एक्सपर्ट से मिला और उन्होंने मुझे पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि किस तरीके से एक अच्छी पैकेजिंग प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू को बहुत बड़ा कर सकती है। उन्होंने मुझे ऐसे एग्जांपल्स बताए जहां पर एक पैकेजिंग को चेंज करके सेल्स बहुत बढ़ गई थी। फिर मुझे ब्रांड के बारे में पता चला कि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में 10 रीजंस देना चाहते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स उनका प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन बेटर ये है कि सबसे बेस्ट रीजन लो और सिर्फ वो ही एक रीजन बार बार अपने कस्टमर के सामने बोलो और यही रीजन आपके प्रोडक्ट में भी दिखना चाहिए। मुझे भी मेरी जैम का बेस्ट रीजन पता चल गया था और वो था 100% फ्रूट। दैट्स इट, 100% फ्रूट। इसके अलावा मैंने अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं की। मैंने दोबारा से एक नए फैक्ट्री ओनर को ढूंढा और नया प्रोडक्ट ट्राई किया। मैं दोबारा सुपरमार्केट गया और उन्हें अपना प्रोडक्ट और उनकी कॉस्टिंग और मार्जिन्स के बारे में एक्सप्लेन किया। इस बार उन्हें मेरा प्रोडक्ट पसंद आ गया और हमने पहले ही दिन फैक्ट्री में 50,000 जार्स बनवाए। ये मेरी सक्सेस का दिन था। मेरे बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने स्टोरीज भी लिखी कि कैसे एक टीनेजर मिलियनेयर बन गया। मुझे और मेरी ग्रैंडमदर को प्रिंस चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में बुलाया और सुपर जैम को नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में भी रखा गया। इसके बाद मैंने कई और नए बिजनेसेस खोले। मैंने एनवलप में कॉफी का बिजनेस खोला, मैंने बियर का सब्सक्रिप्शन बिजनेस खोला और मैंने ओट्स का बिजनेस भी खोला। मेरे बहुत सारे आइडियाज फेल भी हुए, लेकिन इनसे मैंने बहुत सारे लेसन सीखे जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला लेसन जो ऑथर बताते हैं वो है वॉन्टरप्रन्योरशिप। ऑथर कहते हैं कि वॉन्टरप्रन्योर्स वो लोग हैं जो लोग बिजनेस के बारे में बहुत स्टडी करते हैं। ये लोग बुक्स पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और बहुत रिसर्च करते हैं। इन्हें ये भी पता होता है कि इस हफ्ते कौन सा सबसे सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है, लेकिन ये लोग कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करते। इन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर इन्होंने कुछ ट्राई किया और फिर वो चला नहीं तो क्या होगा। ऑथर ऐसे लोगों को वॉन्टरप्रन्योर्स कहते हैं और बोलते हैं कि हमें अपने आइडियाज एग्जीक्यूट करने से नहीं डरना चाहिए, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने आइडियाज ट्राई करते रहने चाहिए। अगर हमारे 10 में से 9 आइडियाज भी फेल हो जाएं, तो वो 9 लेसन्स हमारे MBA डिग्री से बहुत वैल्यूएबल होंगे जिसके लिए हमने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे। और जो 10वां आइडिया आपका सक्सेसफुल होगा वो बाकी 9 फेल्ड आइडियाज की कॉस्ट आसानी से कवर कर लेगा। नेक्स्ट लेसन कहता है टेल एवरीवन अबाउट योर आइडियाज। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग अपने आइडियाज कभी किसी को बताते ही नहीं। उन्हें लगता है कि उनका आइडिया बहुत ही यूनिक है और अगर उन्होंने ये किसी को बता दिया तो उनका आइडिया कॉपी हो जाएगा, जबकि 99% केसेस में बहुत ही कम लोगों के पास यूनिक आइडियाज होते हैं। और सक्सेस हमें आइडिया से नहीं मिलती, उसके एग्जीक्यूशन से मिलती है। अगर हम अपने आइडियाज लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो लोग हमें बता सकते हैं कि हमारे आइडिया में क्या मिसिंग है और क्या लूप होल्स हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट लेसन कहता है कि बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ऑथर कहते हैं कि जो भी बिजनेस आइडिया हमारे पास है उसे हमें दोनों तरीके से वैलिडेट करना चाहिए, यानी ये भी सोचो कि अगर आइडिया चल गया तो क्या करेंगे और अगर जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ये थिंकिंग मेथड हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। नेक्स्ट लेसन कहते हैं बी विलिंग टू ट्राई, स्टार्ट एट स्मॉल लेवल टू वैलिडेट दी आइडिया। ऑथर कहते हैं कि हमेशा लो इन्वेस्टमेंट से ही ट्राई करना चाहिए, इवन जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हों। इससे होता यह है कि हम जल्दी बता सकते हैं कि जिस आइडिया को हम सोच रहे थे कि वो अच्छा है, क्या मार्केट को भी वो एक्चुअल में आइडिया अच्छा लगा। इसलिए लो इन्वेस्टमेंट से ही मार्केट के मूड को जानना चाहिए और धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए। आइडियाज टेस्ट करने से डरे नहीं, इसे एक ट्यूशन फीस की तरह लें। वैसे भी तो हम कोचिंग में क्लासेस में पैसे इन्वेस्ट करते ही हैं। नेक्स्ट लेसन कहता है कि यूज इंटरनेट। ऑथर कहते हैं कि इंटरनेट के आने के बाद बिजनेस को करना एक्चुअल में बहुत आसान हो गया है। पहले एक टीम मेंबर ढूंढने के लिए महीने लग जाते थे, लेकिन आजकल हम 2 दिन के अंदर एक टीम मेंबर ढूंढ सकते हैं। ऑथर ने 48 घंटे यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर एक आइडिया को एग्जीक्यूट किया और उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और ये था उनका ओट्स का बिजनेस। और ये सब उन्होंने एक नॉर्मल शॉपिफाई की वेबसाइट खोल के किया। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इंटरनेट पर अपना बिजनेस लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेसन कहता है एड स्टोरी टू एक्सप्लेन आइडियाज। ऑथर कहते हैं कि मैं अभी तक अपने सुपर जैम के बिजनेस को स्टोरीज के रूप में एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेथड ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है और इससे हमारे कस्टमर्स हमारे साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास लड़का मिलियनेयर बन गया और वो भी बिना कोई ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हुए। उन्होंने इस जर्नी में बहुत सारे लेसन सीखे हैं, जैसे कि वॉन्टरप्रन्योरशिप से बचें, यानी सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, आइडिया तो सबके पास है,
जो चीज मैटर करती है वो है एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हमने देखा कि अपने आइडियाज किसी को बताने से डरे नहीं, क्योंकि दूसरा इंसान आपको आपके आइडियाज के लूप होल्स बता सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि अपने बिजनेस को ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों तरीके से सोचें। इसके बाद हमने देखा था कि बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि मार्केट को हमारे आइडियाज पसंद हैं भी या नहीं, और जब बिजनेस चलने लगे तो बिजनेस से ही कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट हमने देखा था कि आजकल इंटरनेट की मदद से हम अपने बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं। हम पूरी मैनकाइंड में पहली ऐसी जनरेशन है जिसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए इसे जरूर यूज करें। और फाइनली हमने देखा था कि स्टोरी एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने कस्टमर्स को बताने का कि आपका ब्रांड क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने आपको फ्रेजर डोहार्टी की बुक 48 आवर स्टार्टअप से बताई है। ऑथर बोलते हैं कि मैंने ये बुक इसीलिए लिखी है ताकि आप लोग उन गलतियों से बच सको जो मैंने की थी, और जॉब के बजाय एक बिजनेस क्रिएट कर सको, और उस फ्रीडम और सक्सेस को एक्सपीरियंस कर सको जो मैंने किया था। और इसीलिए हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है, ताकि आप बुक्स को पढ़कर जल्दी सक्सेसफुल हो सके और औरों की गलतियों से सीख सके। इस ऐप में आप बहुत सी बिजनेस बुक्स की समरीज फ्री में सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, लीन स्टार्टअप, $100 स्टार्टअप, 4-hour वर्क वीक, रीवर्क, इन्फ्लुएंस, स्टीव जॉब्स, हु मूव्ड माय चीज, स्टोरी ब्रांडिंग एंड मेनी 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 मोर। तो अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप दो फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।